Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है. आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा. आप कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आसानी से ले सकते हैं. आज का हमारा टॉपिक है कि कौन से विटामिन CKD पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बॉडी को कम से कम 13 विटामिन की ज़रूरत होती है जिससे बॉडी फंक्शन सही रहे. वैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ के चलते पूरी तरह से विटामिन नहीं मिल पाते. कई बार क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में वाटर सॉल्युबल विटामिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है. स्पेशल रीनल विटामिन अक्सर प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिससे एक्स्ट्रा वाटर सॉल्युबल विटामिन की प्रॉब्लम ख़त्म हो सके. वैसे किडनी डिजीज़ में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और विटामिन सी की स्मॉल डोज की ज़रूरत होती है. अब जानते हैं फैट और वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में जो CKD पेशेंट्स के लिए रिकमेंड किए जाते हैं. तो पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में, जिसमें फर्स्ट है विटामिन ए जो बॉडी में सेल्स और टिश्यूज़ की ग्रोथ को बढ़ाता है और इन्फेक्शन से बचाता है. वैसे फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए का लेवल हाई होता है इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता. लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो विटामिन ए डेली रेफरेंस इनटेक में 700 से 900 माइक्रोग्राम्स पर डे दी जाती है. सेकेंड है विटामिन डी. ये बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. CKD की प्रॉब्लम में किडनी विटामिन डी को बनाने की एबिलिटी खो देती है जिसकी वजह से विटामिन डी कैल्शियम फॉस्फोरस और PTH लेवल को बनाए रखने के लिए डॉक्टर विटामिन डी को प्रिस्क्राइब करते हैं. थर्ड है विटामिन ई. हार्ट डिजीज और कुछ प्रकार के कैंसर से बचने के लिए सेल्स को ऑक्सीडाइजेशन और फ्री रेडिकल से बचाने में हेल्प करता है. वैसे आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप इसे डेली रेफरेंस इनटेक में 8 से 10 मिलीग्राम पर डे ले सकते हैं. ज़्यादा हाई डोज जो 800 ग्राम की मानी जाती है इसको देने से ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को इनक्रीज़ कर सकते हैं. अब वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात की जाए तो फर्स्ट है विटामिन B1. सेल्स जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और नर्वस सिस्टम को ठीक से काम करने में भी हेल्प करते हैं. सेकेंड है विटामिन B2. सेल्स जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और नॉर्मल विजन के साथ साथ हेल्दी स्किन को सपोर्ट करते हैं. CKD में लो प्रोटीन डाइट में 0.8 मिलीग्राम पर डे और डायलिसिस पेशेंट्स को 1.1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे खासतौर पर पुअर एपिटाइट वालों के लिए होती है. थर्ड है नाइसिन. ये बॉडी में शुगर और फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करने में हेल्प करता है. सेल्स जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और बॉडी में एंजाइम फंक्शन के काम को करने में हेल्प करते हैं. फोर्थ है विटामिन B6. बॉडी में प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है जो बाद में सेल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये रेड सेल्स को भी बनाने में हेल्प करता है. फिफ्थ है फोलेट. न्यू सेल्स के लिए DNA बनाने में हेल्प करते हैं. रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए विटामिन B12 के साथ काम करते हैं. सिक्स्थ है विटामिन B12. न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं. ये नर्व सेल्स को बनाए रखता है साथ ही रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए फॉलेट के साथ काम करता है. सेवन्थ है विटामिन सी. बॉडी आयरन को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है. एट्थ है बायोटीन. सेल्स जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करते हैं. लास्ट है पैंथोनिक एसिड. बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प करता है साथ ही प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करता है. तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कौन से विटामिन CKD पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं. अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किडनी से संबंधित किसी भी रोग से पीड़ित है तो आप कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं. कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें. यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें. और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें. अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं. हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034. हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274. हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com.
अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।